जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में फलेम रेस्टोरेंट एंड कैफे का हुआ उद्घाटन। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित सोमवार को फलेम रेस्टोरेंट एंड कैफे का उद्घाटन राजन चौधरी, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, जाप जिलाध्यक्ष तारेश कुमार भारती, मुनीन्द्र पासवान, प्रधान सचिव अवधेश यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, मोहम्मद सरफराज, राहुल चौधरी एवं विनोद कुमार यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वक्ताओं ने कहा कि आज जिस तरह बेरोजगारी की स्थिति कहीं अधिक है, उसी क्रम में राहुल जायसवाल एवं मोहम्मद सरफराज के द्वारा इसी बेरोजगारी को दूर करने एवं सीमावर्ती शहर जयनगर में बेहतरीन रेस्टोरेंट खोलकर युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है। खुशी की बात है, हम जयनगर के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और जयनगर नागरिक मंच के संयोजक होने के नाते हमेशा जयनगर के विकास के लिए जो है ना संघर्ष करते रहे हैं। जब ऐसे रेस्टोरेंट का जब उद्घाटन समारोह में आने का अवसर मिलता है तो हमको लगता है कि हमारा जो जयनगर है, जो बड़े बड़े शहरों में जो सुविधाएं दी जा रही है रेस्टोरेंट के माध्यम से, आज जयनगर में भी जो है ना उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो भी इसका जो है ना संस्थापक है, हम आपके चैनल के माध्यम से जो है ना उसको बधाई और शुभकामनाएँ जो है ना प्रेषित कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? राम प्रसाद राव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। क्या आप उसको देंगे संदेश? जयनगर शहर के लिए सबसे पहले खुशी की बात यह है, जो आज पूरे बिहार में बेरोजगारी चरम पे है और उस बेरोजगारी को देखते हुए आज हमारे राहुल जायसवाल जी, मोहम्मद सरफराज जी के सहयोग से आज जयनगर में रेस्टोरेंट खुली है। तो खास करके युवाओं में, खास करके स्टूडेंट के लिए खुशी की खबर होनी चाहिए और सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी क्षेत्रवासियों के लिए जयनगर में आने के बाद स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो अच्छा माहौल फील करेंगे। और जयनगर में ज़्यादातर पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है जो रेस्टोरेंट साफ सफाई और उत्तम विचारवान के साथ यह रेस्टोरेंट का हम लोग को मौका मिला है, फीता काट के सभी साथियों के साथ उद्घाटन करने का मौका मिला। मैं खुशी से बिल्कुल ही गदगद हूँ और सभी साथी को धन्यवाद देता हूँ जो आज मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने का, उद्घाटन करने का अवसर मिला। मैं सभी साथी मिल करके सरफराज भाई को और जैसे राहुल जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम रोजगारी, बेरोजगारी की जगह रोजगार मिला। कहीं ना कहीं दो रोटी कमाने का, दो दिन रोटी का कम से कम आशा मिला। इन्हीं बातों के कह के मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय राजन। किया गया है जयनगर शहर में, बड़ी शहर में जाइएगा, इससे भी बहुत अच्छा देखने को मिला जयनगर में और हमें लगता है कि बहुत अच्छे से चलेंगे। हम राहुल जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहते हैं। हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पप्पू जी का प्रोग्राम था, ठीक है, किसी कारणवश पप्पू जी का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। इसीलिए हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, सारे जो भी है आदेश अध्यक्ष जी को आए हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसी के दिशा और के आग्रह से हम लोग वहाँ आए उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ? अवधेश कुमार यादव, जन अधिकार पार्टी, प्रधान महासचिव मधुबनी। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।